आ रहा है।
डियर फ्रेंड्स, कुछ मजबूरी के हालात में फिर से मैं आप सब पत्रकारों से मिलने के लिए आपके बीच में आया हूं। सारी दुनिया के हिसाब से कच्चे तेल का भाव दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसी वजह से हमारे देश में भी हम पेट्रोल और डीजल का भाव बढ़ने से रोक नहीं सकते। पेट्रोल का भाव प्रति लीटर 2-4 रुपये, डीजल का भाव प्रति लीटर 2 रुपये बढ़ाने का हमने फैसला लिया है। क्या बात कर रहे हैं? वहाँ भाव बढ़ गया है तो हमें यहाँ भी भाव बढ़ाना पड़ रहा है। ये बात आप कितनी बार बताएंगे? वहाँ भाव बढ़ा है तो यहाँ भी भाव बढ़ेगा। आप बिजनेसमैन की तरह बात कर रहे हैं। आप सरकार में भाव बढ़ाने आए या लोगों का भला करने आए? अगर कच्चे तेल का भाव गिरे तो आप पेट्रोल की कीमत कम कर देते हैं क्या? इलेक्शन तक आप लोग भाव नहीं बढ़ाने वाले, इलेक्शन के बाद बढ़ा दिया तो? इलेक्शन से पहले बढ़ाएंगे तो वोट नहीं मिलेगा क्या? पेट्रोल का भाव बढ़ने से सब कुछ बढ़ जाता है, दाल चावल से लेकर सब्जी भाजी तक। बस की टिकट के साथ साथ ट्रेन की टिकट का भी रेट बढ़ जाता है। इतना ज्यादा बर्डन पब्लिक के ऊपर होगा तो पब्लिक कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? मैं आपकी जगह पर होता तो आपसे भी अच्छा सवाल करता। आप मेरी जगह बैठेंगे तो पता चलेगा आपको। पेट्रोल का भाव फिर बढ़ योर ऑनर, इस देश की जनता के फायदे के लिए ही मैंने ये केस लिया है। पेट्रोल में आग लगी तो सब कुछ जल जाएगा, और पेट्रोल का भाव बढ़ा तो जनता जल जाएगी, और अगर जनता भड़की तो उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। हमारे देश के नेता लोग हर महीने 5 बार पेट्रोल का भाव बढ़ाते हैं। दिल्ली में अगर 2 रुपए बढ़ता है योर ऑनर, मुंबई तक आते आते वही भाव हर लीटर में 4 रुपए बढ़ जाता है योर ऑनर। मिलोर्ड, सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए इन्होंने ये पिटीशन डाला है ताकि इनकी फोटो पेपर में आ सके और चैनल्स में न्यूज में दिख सके। दरअसल इनको वकालत छोड़कर एक्टिंग करनी चाहिए। छोटी छोटी बातों को ये ऐसे बताते हैं कि जैसे कहीं पर बम ब्लास्ट हो गया हो। योर ऑनर, बार बार भाव बढ़ने वाली बात को मेरे काबिल वकील छोटी सी बात बता रहे हैं, लेकिन हमारे देश की जनता के लिए ये बहुत बड़ी बात है योर ऑनर। इसका फैसला तो गवर्नमेंट करेगी, इसमें कोर्ट क्या फैसला करे ये सोचिए आप। हाथ जोड़कर वोट मांगने वाले पार्लियामेंट में जाके चिल्ला चिल्ला के अपना समय बर्बाद करते हैं योर ऑनर। कावेरी नदी से पानी लेना ये कोर्ट डिसाइड करेगा। दादरी मस्जिद के लिए भी कोर्ट, राम मंदिर का मामला कोर्ट, जहां अवैध घर बने हैं उनको तोड़ने के लिए भी कोर्ट चाहिए। अगर सरकार को भी कोई ऑर्डिनेंस पास करनी है तो उसे भी कोर्ट में आना पड़ता है। जब पब्लिक के अधिकारों की बात होती है तो पब्लिक कहां जाएगी योर ऑनर? कानून की बात जहां करनी चाहिए, पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। ये जगह अपने घर की बातें करने के लिए नहीं है मिलॉर्ड। ये मेरे खुद के घर की परेशानी नहीं है मिलॉर्ड, 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का मामला है ये। हिंदुस्तान की पब्लिक का जीने मरने का मामला है ये योर ऑनर। पेट्रोल का भाव बढ़ने से ट्रेन का टिकट बढ़ता है, बस का भाड़ा भी बढ़ जाता है। बिना मीटर के ऑटो का चार्ज देने से अच्छा है कि कार की किस्त दे दें। पब्लिक को कितनी परेशानी हो रही है ये आप नहीं जानते। योर ऑनर, इन्हें कानून की मदद चाहिए ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। नो नो नो, इनके बातों में पूरी तरह सच्चाई है। पब्लिक की जो जरूरत है हम वही कर रहे हैं। इसकी पिटीशन एक्सेप्ट करता हूँ। आपने पिटीशन एक्सेप्ट किया, इसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ आपका। पेट्रोल कहा जाए तो वो एक बिजनेस है, बाहर की कंट्री से लाकर यहाँ बेचते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में अगर भाव बढ़ा तो भाव हमें भी बढ़ाना ही पड़ेगा ना। जब भाव कम होता है तो कम क्यों नहीं करते हो? साइलेंस, साइलेंस इन कोर्ट। बगल के देश में पेट्रोल का भाव 25 रुपए लीटर है और मलेशिया में 30 रुपए लीटर है, तो यहाँ पर 74 रुपए क्यों लिया जाता है? वो देश भी वहीं से पेट्रोल लेते हैं जहां से हम लेते हैं। पब्लिक कंडीशन ठीक करने के लिए और सरकार को भी नुकसान ना हो, पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाना तो पड़ेगा ही ना मिलॉर्ड। पब्लिक से 1,000 करोड़ रुपए लेकर भी थोड़ी मदद नहीं करते हैं। पब्लिक के बारे में कोई नहीं सोचता। हजारों करोड़ों का फायदा दिलाने वाली इन पेट्रोलियम कंपनियों को हर साल करोड़ों रुपयों का फायदा होता था। 1971 में भारत की प्रधानमंत्री ने इसे प्राइवेट कंपनी से सरकारी कंपनी बनाया, जिससे करोड़ों का जो फायदा है वो जनता को मिल सके। उस प्रधानमंत्री ने जो सपना देखा था वो पूरा हुआ क्या? नहीं हुआ ना, क्योंकि करोड़ों करोड़ों रुपए का जो फायदा होता है वो पार्लियामेंट में बैठे बड़े बड़े मंत्री अपनी जेब में डाल लेते हैं और नुकसान दिखाते हैं। पॉलिटिक्स में जो भी शामिल होता है वो सफेद कपड़े पहनकर आता है, फिर भी वो काला काम ही करते हैं। जिन्हें पॉलिटिक्स नहीं आती वो भी इसमें शामिल हैं। करोड़ों करोड़ों की रिश्वत ऑफिसर को देकर ये उनको भी भ्रष्ट बना देते हैं योर ऑनर।
और पब्लिक के बारे में कोई भी नहीं सोचता है। पेट्रोल का भाव क्यों बढ़ता है? उसके यहाँ आते ही ये टैक्स, वो टैक्स, स्टेट टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स, ना जाने कितने सारे टैक्स लगा देते हैं योर ऑनर। इनको लोगों के प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता है मिलोट। टैक्स की वजह से ही सरकार चलती है और उस कमाई से ही देश का विकास होता है मिलोट। क्यों? सब लोगों ने काला पैसा दबा कर रखा हुआ है, उसे बाहर निकालने का काम क्यों नहीं हुआ? बैंक से करोड़ों रुपए का लोन लेकर उसे वापस क्यों नहीं भरा गया, बताइए मुझे आप। उन लोगों की प्रॉपर्टी जब्त करके उन लोगों से पैसा वसूल क्यों नहीं किया जिन्होंने बैंक से लोन लिया था, बताइए आप मुझे। भारत से बाहर गया हुआ काला धन इंडियन एयरलाइन से वापस क्यों नहीं लाते हैं? अगर वो पैसा वापस आ गया तो हम अमेरिका को भी फाइनेंस दे सकते हैं, हमारा देश बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। हम छोटी से छोटी बात के लिए वर्ल्ड बैंक से पैसे की गुहार लगाते हैं। हमारे देश को आजाद हुए पूरे 72 साल हो गए हैं और हम अभी तक इंपोर्ट किए हुए पेट्रोल से ही गाड़ी चला रहे हैं। लाखों रुपए का पेट्रोल हम अपने देश में इंपोर्ट करते हैं और उसे करोड़ों रुपए में बेचते हैं। पेट्रोल के लिए बाहर के देश के भरोसे रहने से अच्छा है इसका कोई अल्टरनेटिव निकालना होगा। अपने देश से छोटा देश क्यूबा, कम उत्पादन करने वाला देश ब्राजील पेट्रोल की जगह इथेनॉल का यूज ज्यादा करते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, पेट्रोल के बदले गन्ने के छिलके से इथेनॉल निकालने की कोशिश की तो हमें बाहर के देशों से पेट्रोल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर उन बचे पैसों को किसानों में बांट दिया जाए तो गन्ने की खेती करने वालों का रोजगार इससे दो गुना हो जाएगा मिलोर्ड, और देश में रोजगार बढ़ेगा। लेकिन इन अधिकारियों को किसानों की खुशी से कोई लेना देना नहीं है, वो लगातार जनता को लूटे जा रहे हैं। वो देश के बारे में कुछ नहीं सोचते। गवर्नमेंट के पैसों से 90% तनख्वाह लेने वाले अधिकारी भी 10% जनता की खुशी के लिए भी कुछ नहीं सोचते। योर ऑनर, मैं सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हर बात के लिए गवर्नमेंट को दोषी ठहराना गलत है। पब्लिक ने जब से पैसा लेकर वोट देना शुरू किया है तभी से यहाँ का लोकतंत्र खतरे में आ गया। सम आर ब्लेमिंग द पॉलिटिशियंस, सम आर ब्लेमिंग द ब्यूरोक्रेट्स, नाउ यू आर ब्लेमिंग द पब्लिक। अगर आप लोग पब्लिक के बारे में गलत बोलते रहोगे तो पेट्रोल के प्रॉब्लम की सोल्यूशन कैसे निकलेगी? अलग तरीके से शोध का काम लगातार चल रहा है, गवर्नमेंट काम भी कर रही है और उम्मीद करता हूँ कि रिजल्ट बहुत जल्द सामने होगा। समुद्र के अंदर से जो पेट्रोल निकालने की बात है, इस प्रोजेक्ट में कई करोड़ रुपए खर्च होंगे। देश की जो आर्थिक स्थिति है उसके हिसाब से गवर्नमेंट इतना ज्यादा खर्च नहीं कर सकती, इसलिए शोध करके जो भी तेल को ढूंढ पाएगा उसका फायदा उसे भी मिलेगा। इसलिए इस प्रोजेक्ट को प्राइवेट कंपनी को भी दिया गया है और अब इस शोध में गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट कंपनी भी शामिल हो चुकी है। कहाँ चलना है मैडम? अरे मैडम, आप डरिए मत। हाँ,
डॉक्टर हरी अप जल्दी ले चलो कम ऑन मेक इट फास्ट। इस लड़की का फोटो पेपर में पब्लिश कीजिए। इसका कोई रिश्तेदार इसे कांटेक्ट कर सकता है। ओके सर। अकबर इस लड़की का केस देखा तो रेप अटेम्प्ट नहीं लग रहा है। यस सर। ये मर्डर अटेम्प्ट का केस है। फिर भी इसकी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करो। मां वो आ गई। बहुत ही सुशील लगती है, मेरी बेटी के लिए सही है। ये मेरी बेटी समिता। सत्या के लिए लड़की परफेक्ट है ना? बैठो बेटी। नमस्ते। ये सूर्या की माँ है और वो पिताजी। नमस्ते, है। नमस्ते। ये सूर्या की सिस्टर है और ये हमारे दामाद जी। घर जमाई बनकर रह रहे हैं। जब देखो कचरा करते रहते हैं। ए सत्या, तू जिस लड़की की बात कर रहा था उसे मैंने देखा। मुझे जैसी बहू चाहिए थी बिल्कुल वैसी ही है वो। मुझे बहुत पसंद है। आप लोगों को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। मेरी माँ की पसंद मेरी पसंद। सरिता, मुझे ऐसा लगता है कि तेरी सास तुझे शादी से पहले ही अपने घर ले जाएगी। ऐसे सास ससुर मिलना बहुत भाग्य की बात है। तू बहुत नसीब वाली है मेरी बेटी। I'm
छेड़ेंगे मत डरना, अभी है प्यार तुम्हें करना। पूरे मेरे होंगे सब सपने एक पल में, मेरा तन चलता कुछ कर दे। ओ सनम साथ है हम प्यार करेंगे अब हम, है गजब रूप तेरा दिल में तू रहे। सुन मेरे साजन बाहों में तो ले ले, प्यार दे मुझे प्यार दे, सुन ले। तुझसे प्यार हुआ, तुझसे प्यार हुआ, तुझ में जानू मेरी प्यारी है तू। सपनों में तू है मेरे, कैसे जियूं बिन मैं तेरे, बाहों में सजन मेरा प्यार जताए। हम मिले, हम मिले, हम मिले, हम मिले, हाँ हम मिले। गुड इवनिंग सर, हम लोगों ने जिस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट किया उसके माँ बाप आए हैं। कम इन। नमस्ते। बैठिए। नमस्ते सर। पेपर में न्यूज़ दिए हुए एक हफ्ता हो गया है और आप लोग अब आ रहे हैं। पिछले हफ्ते मेरी बेटी के एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, उसी का क्रियाकर्म करने हम काशी गए थे, इसलिए हमने वो न्यूज़ नहीं देखी। हम जब वापस आए तो पड़ोसियों से हमें ये बात पता चली। बात क्या है? एक मरी हुई लड़की जिंदा कैसे हो गई? सर, वो अपने ऑफिस के ग्रुप के साथ टूर पर गई थी, उस एक्सीडेंट में सारे लोग मारे गए। उनमें से किसी का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। एक लाश दिखाकर कहा ये बेटी तुम्हारी है। पेपर में फोटो देखा सर, वो मेरी बेटी जैसी लग रही थी, उसी वजह से मैं यहाँ आपसे बात करने के लिए आया हूँ सर। अकबर सर, हॉस्पिटल चलो। सर, अटेम्प्ट टू मर्डर केस वाली लड़की इसी हॉस्पिटल में है ना? किस लड़की की बात कर रहे हो? सत्या सर ने जिस लड़की को भर्ती किया है वही लड़की है सर। वो कौन से फ्लोर पर है सर? आप लोग कौन है? हम दोनों उसके माता पिता हैं सर। पुलिस वाले ने उसे एडमिट किया हुआ है, वो एरिया पुलिस के कंट्रोल में है। अगर पुलिस वाले इजाजत देंगे तो ही उनसे मिल सकते हो। सर एक बार मिलने दीजिए ना सर। अंदर उस लड़की के माँ बाप मिले हैं सर। उस लड़की के माँ बाप? हाँ सर, वो अंदर ही हैं। अभी सारे एंट्रेंस ब्लॉक करो, सिक्योरिटी बढ़ा दो। चलो चलो जल्दी करो, तुम उस तरफ जाओ। कम ऑन, चलो चलो। हेलो। हाँ बोलिए सर। एम्स हॉस्पिटल से एक एजेड कपल भागा है, जल्दी से उन्हें ट्रेस करो। ओके सर।
प्लीज हमें डिस्टर्ब मत कीजिए, जैसे कुछ हुआ तो हम इन्फॉर्म कर देंगे। सर, हम आपसे जवाब चाह रहे हैं। सर, वो मेरी इकलौती बेटी थी सर, उसका नाम नर्मदा था। ओशियन टेक्नोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट थी सर। 2012 में आईपीएनसी में जूनियर इंजीनियर में ज्वाइन हुई थी सर। वो एक ही साल में प्रमोट होकर सीनियर इंजीनियर बन गई थी सर। वो बहुत ही ब्रिलियंट थी सर। अच्छा, वो काम कहाँ कर रही थी? बे ऑफ बंगाल आंध्र सीसोर में पेट्रोलियम रिसर्च यूनिट में ज्वाइन हुई थी सर। वहाँ से बम्बई हाईसी में उसका ट्रांसफर हो गया था सर। बॉम्बे में रहते वक्त ऑफिस के स्टाफ के साथ शिमला कुल्लू मनाली टूर पे गई थी सर, पर मनाली जाते वक्त उनके बस का एक्सीडेंट हो गया था सर। बस के एक्सीडेंट के बाद किसी का भी चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था सर। उसके लगेज को देखकर उन लोगों ने बताया कि यही आपकी बेटी है। वहाँ जो मरी वो मेरी बेटी नहीं थी सर, दिल्ली हॉस्पिटल में जो मरी है वही मेरी बेटी थी सर। तो फिर ये बॉडी आपकी बेटी की है, ये आपको किसने बताया? नहीं जानता सर। तो उस बॉडी का क्या किया, जला दिया क्या? मेरी एक ही बेटी थी सर, बहुत प्यार से पाला पोसा था, इसलिए जलाने की हिम्मत नहीं हुई तो उसे दफना दिया। ये बॉडी स्कल का सिलिकॉन वर्जन है सर। इस लेडी की खोपड़ी देखकर लगता है कि इसकी उम्र 35 साल की होगी। जरा गौर से इस खोपड़ी को देखिए, बस ऊपर से नीचे गिरी है, इसका मतलब खोपड़ी चपटी हो जानी चाहिए। खोपड़ी पत्थर या चट्टान से टकराई होती तो चकनाचूर हो जाती। बस का अगर रॉड सर पे लगा होता तो इस खोपड़ी में क्रैक आ जाता। ऐसा कुछ नहीं हुआ, देख रहे हैं ना आप? अच्छे से देखिए, एक होल दिख रहा है और ये होल पक्का एक बुलेट का है। मिस्टर राजशेखर। जी सर। स्कल में एक ही होल है। हाँ सर। तुम्हारा मतलब बुलेट स्कल से बाहर नहीं आया क्या? बाहर निकलने का चांस ही नहीं है सर, उसे अंदर ही होना चाहिए। दफनाने के टाइम भी किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। अकबर, एक्सीडेंट स्पॉट में डॉग स्क्वाड को ले जाकर जांच करो। अकबर। सर। पूरी बॉडी निकालकर रिपोस्ट करने की तैयारी करो। ओके सर। सर, इस बॉडी के सर पर हिट किया गया है। ये बॉडी देखिए, इसके हाथ में हिट किया गया है, उसके बाद चेस्ट पे भी हिट किया गया है, बाकी दोनों बॉडी में, एक के हार्ट पे हिट किया और दूसरे के लीवर पे। सर, एक्सीडेंट स्पॉट से डेड बॉडी के पास से कोई ब्लड रिकवर नहीं हुई है सर। I'm Satyavir Singh, आई Assistant Commissioner of Police. बैठिए सर। It's okay.
मुझे चेयरमैन से मिलना है। क्या काम है आपको? मनाली में एक बस का एक्सीडेंट हो गया था। हाँ पता है, उसके बारे में कंप्लेंट आई थी, उसी के बारे में पूछना है। हाँ कंप्लेंट आई थी, तो आप इंक्वायरी करने यहाँ चले आए? कोई भी कंप्लेंट करेगा तो आप कहीं भी पूछताछ करने चले आएंगे? अगर मैंने पीएम के नाम पे कंप्लेंट की तो आप वहाँ भी चले जाएंगे? बताइए सर। आपके जैसा पीए होगा तो पीएम से भी पूछ सकता हूँ, लेकिन मेरे जैसा पुलिस ऑफिसर आएगा तो बिना पूछे नहीं जाएगा। अरे सर गुस्सा क्यों हो रहे हैं, वो सब लोग बस के एक्सीडेंट में मारे गए और उसकी सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी है सर, अब क्यों इंक्वायरी कर रहे हैं सर? चुप। तुम्हारा जवाब मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारे चेयरमैन के ऊपर मेरे पास कंप्लेंट आई है और मैं उससे मिलने आया हूँ, मिलवाओगे या नहीं? मिलवाऊंगा सर, वो पांचवें फ्लोर पे है, बहुत बिजी है सर, अभी वो किसी से नहीं मिल सकते, मैं परमिशन नहीं दे सकता। ठीक है तो उन्हीं से परमिशन ले लेता हूँ। अरे सर 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 रुके रुके रुके, कहाँ जा रहे हैं सर? सर सर मेरी नौकरी चली जाएगी, सुनिए तो सर। अरे सर मेरी बात तो सुनिए सर। सर अरे सर ऐसे मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ सर। सर रुके सर। अरे सर सर सुनिए तो, सुनिए सुनिए सर। अरे सर प्लीज। अरे सर मैं मना कर रहा हूँ सर, सुनिए तो सर। सर प्लीज। कौन हो तुम? सत्यवीर सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, कनॉट प्लेस। पुलिस वाले हो तो कहीं भी घुस जाओगे बगैर पूछे बगैर परमिशन लिए? प्रॉपर परमिशन मैंने मांगी थी, इन्होंने कहा सर बहुत बिजी हैं। कितना बिजी है ये देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, और ये केस सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस का है, इसलिए मैं परमिशन को इतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहा हूँ। मिस्टर अग्रवाल, आपके ऑयल कॉर्पोरेशन में काम करने वाली मिस नर्मदा एक्सीडेंट में मारी गई, ये आपके रिकॉर्ड में है? हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, आपके रिकॉर्ड में है। मरने वाले को आपने मुआवजा तो दिया होगा? हाँ दिए, पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन भेजी थी। अपने रिकॉर्ड या पुलिस के रिकॉर्ड को देखकर मुआवजा दिया ये मैं पूछने नहीं आया हूँ। पिछले महीने हिमाचल प्रदेश में आपके कॉर्पोरेशन के 15 इंजीनियर्स, उनकी फैमिली मेंबर्स मिलाकर पूरे के पूरे 35 लोग एक्सीडेंट में मारे गए। वो कोई हादसा नहीं बल्कि मर्डर था। नर्मदा के माता पिता ने यही कंप्लेंट की है, मैं उसी के सिलसिले में आया हूँ। आपके पास काम करने वाले वो 15 इंजीनियर्स कहाँ काम कर रहे थे, ऑनशोर या फिर ऑफशोर, डिगिंग पॉइंट या सेलिंग पॉइंट पे? उनका कहाँ कहाँ ट्रांसफर हुआ था, उन लोगों के प्रमोशंस, उनके सारे पिछले रिकॉर्ड्स मुझे अभी चाहिए, अर्जेंटली। वर्गीस जी सर, थोड़ा बाहर जाओ। मैडम आप भी जाइए, दो कॉफी भिजवा देना। ओके हाँ। सर ओके सर। सत्यवीर सिंह, क्या नाम है, तमिलनाडु से हो? हाँ हाँ चेन्नई। हाँ मैं भी केरला से ही हूँ। अग्रवाल सुन के कंफ्यूज हो क्या? माँ केरला की, बाप यूपी से, उस जमाने में लव मैरिज। दिल्ली में कहाँ रहते हो? आरकेपुरम। आरकेपुरम बहुत बढ़िया एरिया है। घर खुद का है क्या? सर पहले मुझे डिटेल्स चाहिए। हाँ डिटेल्स चाहिए। सत्यवीर सिंह, ये एक अचानक होने वाला हादसा था, बहुत लोग मारे गए, उन सबको कंपनसेशन दे दिया गया है, मगर फैमिली मेंबर को ही भूल गया। इसे आप री इन्वेस्टिगेट करेंगे ना तो मीडिया वाले भी छोटी सी बात को बड़ा कर देंगे। अब आप ही सोचिए सही है या गलत। ऑयल कंपनी को ही ले लीजिए, बहुत से प्राइवेट सेक्टर भी आ गए, कंपटीशन। इसमें आप भी कुछ बोलेंगे तो हमारी कंपनी पे दाग लग जाएगा। ये सब जरूरी है क्या? कुछ ले दे के रफा दफा कर। आप ये केस ले दे के रफा दफा करना चाहते हैं तो आपने इसमें गलत काम किया है। हाँ मैंने किया, क्या कर लेगा बोल? तुझे जो चाहिए ले ले और कंप्लेंट को फाड़ के फेंक दे। सोच रहा है? ए, बोलना क्या चाहिए, मुझे सब कुछ पता है। उसके माँ बाप से तूने जबरदस्ती मेरे खिलाफ लिखवाया है। अब मुझे सब पता चल गया। पता चल गया ना, जो करना कर ले, अब निकल यहाँ से, मैं डरता नहीं हूँ। बड़ा है इन्वेस्टिगेशन करने वाला, मैंने तेरे जैसे हजारों देखे हैं। ए, ऑयल कंपनी का चेयरमैन हूँ, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। ए, कुछ नहीं कर पाएगा, निकले यहां से जा। मिस्टर अग्रवाल, ऑल द बेस्ट, गेट लॉस्ट। आईपीएनसी पेट्रोलियम रिसर्च इतनी बड़ी कंपनी हो सकती है क्या? देखो सूर्या, पहले के कामों में सब जिम्मेदार लोग हुआ करते थे, लेकिन अब देखो सभी राउडीज और बदमाश लोग हैं। यही अपने देश का भविष्य हो गया है। कोई कुछ भी कर ले लेकिन इनका कोई कुछ नहीं कर सकता। पुलिस इनका कुछ नहीं कर सकती, हमारे पास इतनी भी पावर नहीं है। पावर है, कन्याकुमारी और कश्मीर तबादला कर दिया जाएगा और इसकी जगह उनके लोग बैठ जाएंगे,
और फिर उनके हिसाब से वो जो चाहेंगे वैसे ही फाइल बन जाएगी और तुम हमेशा के लिए फ्रेम से बाहर। तो फिर क्या करना चाहिए सर? देखो, इस केस को अगर सॉल्व करना हो तो कोई और रास्ता अपनाना होगा। पर कौन सा रास्ता? इसे राजनीति का रूप देकर सारे हिंदुस्तान के पब्लिक तक पहुंचाना होगा। सिर्फ एकमात्र यही एक रास्ता है। उसके लिए हमें एक ईमानदार नेता से मिलना ही पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा वकील साहब, सब ठीक है ना? नमस्ते। ये है मिस्टर सत्यवीर सिंह। नमस्ते। और वो राजा। नमस्ते सर। बैठिए, आप भी बैठिए वकील साहब। सर, हम लोग यहाँ जिस बात के लिए आए हैं, वकील साहब ने मुझे सारी बातें अच्छे से समझा दी थी। मैं जब दिल्ली आता हूँ तो ये अपना कोई जरूरी काम लेकर ही आते हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें कोई साजिश थी। वकील साहब, पार्लियामेंट में जब श्रद्धांजलि की बात की गई तभी मैं उन लोगों से बात करना चाहता था। जब कार्यक्रम चल रहा था तब मेरे पास इस केस से संबंधित प्रॉपर सबूत नहीं थे, इसलिए मैंने वहाँ बात नहीं की। मैं भी जानता हूँ कि ये जो बस का एक्सीडेंट हुआ है ये एक्सीडेंट नहीं, एक हादसा ही है। इसके बारे में मैंने विपक्ष के लोगों से भी बात की लेकिन विपक्ष वालों ने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। नेताजी, अभी पार्लियामेंट के अंदर पब्लिक की जो परेशानी है अगर उसे उठाया जाए तो नेता लोग सदन को चलने ही नहीं देते। वो चिल्लाते हैं लेकिन पब्लिक की परेशानी के लिए नहीं, बल्कि वो अपनी पार्टी में अपनी हैसियत बनाने के लिए ही चिल्लाते हैं। लेकिन उन सब लोगों को चिल्लाना ही होता है लेकिन सदन को कोई फायदा नहीं होता। सदन के लोगों को समझना चाहिए, सदन में एक एक सेकंड के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं जो पब्लिक से वसूले जाते हैं। इस तरह सदन में चिल्लाकर पब्लिक के पैसों को बर्बाद करना सही नहीं है। सर, आप जैसा सोच रहे हैं ये एक्सीडेंट नहीं है, ये साजिश है। उसके सारे एविडेंस इस फाइल में है। पार्लियामेंट में इसका इश्यू बनाइएगा प्लीज। जलाने के लिए सिर्फ माचिस की एक तीली ही काफी है लेकिन आपकी फाइल को देखकर लगता है कि इससे तो पूरे सदन में आग लग जाएगी। पब्लिक के लिए एक बर्निंग इश्यू है। मैं सदन में ये बात जरूर उठाऊंगा। मनमानी नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। IPNC में हुए हादसे के लिए एक इंक्वायरी कमीशन का गठन किया गया है। IPNC इंजीनियर बस एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंट है या कोई हादसा, इस बात से पार्लियामेंट पे भूचाल आया है। इंक्वायरी कमीशन बिठाई गई है, इसकी निष्पक्ष जांच के लिए रिटायर्ड जज रामकृष्ण वर्मा को नियुक्त किया गया है। ओके सर। गुड मॉर्निंग, आई एम संजय यादव, कमिश्नर ऑफ पुलिस ग्रेटर दिल्ली। हाँ, वेरी गुड, प्लीज बी सीटेड। थैंक यू सर। नाउ मिस्टर यादव, आई कॉल्ड यू फॉर दिस रीजन। ये एक नए टाइप का कमीशन है। अब तक जो कमीशन थे वो या तो इंक्वायरी करते थे या फिर इन्वेस्टिगेशन करते थे, लेकिन अब जो कमीशन बना है इन्वेस्टिगेशन करने के साथ साथ इंक्वायरी भी करेगा। जुडिशियल कमीशन को पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मदद करने के लिए कहा गया है, ऐसा होम डिपार्टमेंट से ऑर्डर आया सर। ये कमीशन, इट्स नॉट ओनली इम्पोर्टेंट, इट्स ऑल्सो वेरी सेंसिटिव। सो इसका जो स्टाफ होगा, ऑफिशियल्स, पुलिस, सबके ऊपर कंप्लीट विजिलेंस। मेरे बारे में तो आप जानते हैं ना, आई विल नॉट टॉलरेट एनी रॉन्ग डूइंग। माय लॉर्ड, ये इंक्वायरी देश की आर्थिक स्थिति का जायजा लेने के लिए एक बेहद जरूरी इंक्वायरी है। इंडिया के बेहतरीन काबिल इंजीनियर्स को हादसे के चादर से ढक दिया गया। ये हादसा है या साजिश, उसका एक खुलासा करने के लिए ये इंक्वायरी बिठाई गई है। योर ऑनर, हादसा जहां पर हुआ वहां के इंस्पेक्टर हैं, ये यही है इस केस के मुख्य गवाह। यू कैन प्रोसीड प्लीज। माय लॉर्ड, हिमाचल के मनाली डिस्ट्रिक्ट में कोटी पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर हूं मैं। सितंबर महीने के 15 तारीख को
इंडियन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के 14 इंजीनियर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ग्लोबल ट्रेवल बस से मनाली होते हुए कश्मीर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में कैफे कोटी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए रुके। खाना खाने के बाद उन्होंने अपना ट्रेवल फिर से स्टार्ट किया, लेकिन अचानक ही थोड़ी दूर जाने के बाद उनके बस का ब्रेक फेल हो गया और उनकी बस करीब करीब 1000 फुट नीचे गहरी खाई में जा गिरी। उस बस के ड्राइवर ने दारू पी रखी, जिसके कारण वो बस पे कंट्रोल न कर सका। एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और उसमें सारे लोग मारे गए। What is your name? कृष्ण चंद, जहां एक्सीडेंट हुआ वहां का इंस्पेक्टर। लुक, आप इंसिडेंट बोलिए, एक्सीडेंट था या कॉन्स्पिरेसी ये कोर्ट डिसाइड करेगा, ओके? नहीं सर, वहां अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं। इससे पहले कब हुआ था? इससे पहले कुछ याद। तुमने बोला ना कि हमेशा होता रहता है, इतना सोच क्यों रहे हो? नहीं सर, 2 साल पहले हुआ था एक्सीडेंट। ओहो, 2 साल पहले हुआ था, ये बार बार है। ओके, कितने लोग उस एक्सीडेंट में मारे गए थे? इससे पहले वहां जो भी एक्सीडेंट हुआ, क्या उसमें भी सब के सब लोग मारे गए थे? नहीं ना? नहीं नहीं ना? नहीं, मैं बोल रहा हूं ना सर। ओके माय लॉर्ड, एक्सीडेंट में 1-2 लोगों के बचने के चांसेस होते हैं, लेकिन इस इंसिडेंट में किसी की भी जान नहीं बची, क्योंकि इसका कोई गवाह नहीं होना चाहिए, ऐसी साजिश रची गई थी। दैट्स व्हाई इट्स अ वेल प्लान्ड कोल्ड ब्लडेड कॉन्स्पिरेसी। माय लॉर्ड, इंडियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के चेयरमैन को हमने समन भेजा था। इंस्पाइट ऑफ हिज बिजी शेड्यूल, कोर्ट के मर्यादा का सम्मान करते हुए वो यहां पर आए हुए हैं। नमस्ते। सो मिस्टर बर्मन, प्लीज प्रोसीड। आपके जैसे बड़े आदमी को समन भेजा जाए तो ये काम है वो काम है बोल के टाल देते हैं ना, लेकिन आप इतनी आसानी से हाजिर हो गए, ग्रेट। वकील साहब, मैं वो कानून की बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए। मुजरिम लोगों को? मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। कोई जुर्म नहीं किया है? मुझे पता नहीं था, मेरे पूछने से पहले ही आपने बता दिया। सिर्फ मुजरिमों को ही सम्मन नहीं भेजा जाता, कई बार जुर्म का पता लगाने के लिए भी सम्मन भेजा जाता है। Then it's all right. Yes. इंडियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल ऑयल कॉरपोरेशन, इसके 15 इंजीनियर्स मारे गए, क्या इसमें कोई साजिश है? यही पूछने के लिए आपको बुलाया है। ये साजिश नहीं थी, दुर्घटना थी। दुर्घटना? आप भी उस बस में थे क्या, या फिर ऐसे ही बोल दिया? तो आप उस बस में थे जो साजिश बता रहे हैं? मैं ऐसे पूछूंगा, ये आपको पहले ही से पता था ना? ये आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, मेरे सवाल करने से पहले ही आपका जवाब तैयार रहता है। सही बात बोलना कुछ गलत है क्या? ग्रेट। 15 इंजीनियर्स अपने परिवार के साथ मरे हैं, क्या इस बात का आपको दुख है? मेरे परिवार में भी कोई मर जाता है तो भी मुझे दुख नहीं होता। आपके बारे में 2 साल पहले इस मैगजीन में एक इंटरव्यू आया था, देखिए। हाँ, मैं नया नया चेयरमैन बना था तब ये इंटरव्यू दिया था, बहुत सारी बधाइयां आई थी। इस इंटरव्यू में आपने कहा, अनाथ हूं, मेरे माता पिता नहीं है, अनाथ आश्रम में ही पला बढ़ा हूं, देश की सेवा करने के लिए ही मैंने अभी तक शादी नहीं की, ब्रह्मचारी की तरह जीवन जी रहा हूं, यही बोला था। हाँ हाँ, बोला था। ओ, जब इंजीनियर्स मरे थे तो आपको थोड़ा भी दुख हुआ या नहीं? आपसे पूछा तो मेरी फैमिली में अगर कोई मरे तो भी दुख नहीं होता, ऐसा आपने कहा, लेकिन आपका तो कोई परिवार ही नहीं है, फिर आपने ऐसा कैसे कहा? इंजीनियर नर्मदा ने मरने से पहले आपसे सेल फोन पे बात की थी, क्या बातें हुई थी? मुझसे बात की थी ये सही है, लेकिन मरने से पहले या बाद में मुझे पता नहीं। मरने के बाद बात नहीं कर सकती, तो पहली बात हुई होगी, क्या बातें हुई थी? टूर पे जाना चाहती हूँ, ऐसा पूछा था। उसने ऐसा क्यों पूछा? कोई पर्सनल प्रॉब्लम है ऐसा बोली थी, लेकिन मैंने कहा जरूर जाना चाहिए। जरूर जाना चाहिए क्यों बोला आपने? सर, एक इंजीनियर समुद्र में 3-4 महीने तक अपने प्रोजेक्ट में बिजी रहते हैं, उस वक्त वो अपनी फैमिली से मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, उस वक्त मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, मानसिक परेशानी। हाँ हाँ, वही। ओके, इसके लिए हम लोग प्रोजेक्ट और दूसरे प्रोजेक्ट के बीच में अपने खर्चे से उनकी पूरी फैमिली को 10-15 दिन के लिए टूर पे भेजते हैं, और जब वो लोग लौट कर आते हैं तो एक नया जोश होता है। वैसे ये भी टूर ऑर्गेनाइज करके भेजा गया था। ओहो। वैसे वो लड़की भी उस टूर में जाके मर गई ऐसा लगा था,
उसकी फैमिली को कंपनसेशन दे दिया गया है। लेकिन बाद में पता चला कि वो लड़की वो टूर में गई नहीं थी। कब पता चला? उसकी फोटो न्यूज़पेपर में देखी थी। ओ, पेपर में? हाँ हाँ, पेपर में। तो आपने कॉन्टेक्ट किया? नहीं, नहीं किया। क्यों? जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं किया। आप एक बड़े इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन हैं, आपको लगा मर गई लेकिन वो जिंदा थी, ये पता होने के बावजूद आपने उसे कॉन्टेक्ट क्यों नहीं किया, उसमें दिलचस्पी क्यों नहीं ली? जरूरी नहीं समझा, इसलिए नहीं ली। आपके आईपीएनसी की तरफ से कोई गया था क्या? मैंने किसी को नहीं भेजा। गए थे क्या ऐसा पूछा? गए या नहीं गए ये बताइए। मैंने किसी को भेजा नहीं इसका क्या मतलब है? वो ऐसा कि हो तो आपने किसी को नहीं भेजा इसका ये मतलब है। माय लॉर्ड, इस इंस्टीट्यूशन में भेजेंगे तो ही कोई जाएगा, नहीं तो कोई नहीं जाएगा, कुछ ऐसा है। सब कुछ इनके ही हाथों में है, इनकी जानकारी के बिना इस इंस्टीट्यूशन में कुछ भी नहीं हो सकता। योर ऑनर। यस मिस्टर जी डी अग्रवाल को 2 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में रखकर पूछताछ करनी है, प्लीज परमिशन दीजिए योर ऑनर। दैट्स इम्पॉसिबल योर ऑनर, इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते, पुलिस कस्टडी में भी नहीं रख सकते, ऐसा हमने कोर्ट से ऑर्डर लिया है। हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, या कौन कौन से कोर्ट से ऑर्डर लिए हैं जरा ये बता दीजिए, उसके हिसाब से ये इंक्वायरी होगी। सर, इससे पहले आईपीएनसी कंपनी के ग्लोबल ट्रेवल्स के 10,000 और 20,000 के 2 बिल पास हुए हैं, लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद का देखिए सर, लाखों रुपए के बिल पास हुए हैं। रीमा, उस ट्रेवल कंपनी में जाकर इंक्वायरी करने से हमें एविडेंस मिलेंगे ऐसा लग रहा है। तुम कौन हो? तुम कौन हो बताओ जल्दी। पुलिस। उस ड्राइवर का नाम बताओ। शुक्रा। मरे हुए आदमी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? मैं उसका लाइसेंस देखना चाहता हूँ, निकालो। पर वो लेकर चला गया है। मरा हुआ आदमी कैसे लेकर जाएगा बे? पता नहीं सर। पता नहीं। बता। बोल बे, एक्सीडेंट में मरा शुक्रा, उसने ऑस्ट्रेलिया का वीजा निकाला है, किसने बनाने को कहा? ये किसने बना कर दिया है? इसे कलेक्ट करने वो कब आएगा? वो नहीं आएगा सर। अच्छा, ए, कैसे देगा उसे? कहाँ है वो बता। आइए सस्ते में ले जाइए, आइए आइए।
बस को तूने ही गिराया था ना? बस को मैंने नहीं गिराया सर, दारू पी के गाड़ी चला रहा था इसलिए एक्सीडेंट हो गया। ये क्या, पुलिस की रिपोर्ट और गुंडों की रिपोर्ट एक जैसी है? ये बात है, इन लोगों ने इस एरिया के पुलिस वालों के साथ मिलकर प्लान बनाया है तो डायलॉग कैसे अलग होगा? क्या सर आप लोग क्या बात कर रहे, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ए, सर, तुझे समझ नहीं आ रहा है? सर, क्या कर रहे? सवाल पूछते हैं तो उल्टा जवाब देता है। बोल। देखता हूँ कैसे नहीं बोलता। पता ना तो तुझे पड़ेगा ही। क्या रहा भाई इससे? कुछ नहीं जाता तू? मुझे पता नहीं सर। चल। बोल। 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 बताता हूँ सर। दिल्ली का दादा जॉन खैतान का आदमी था। एक दिन वो मेरे पास आया और बोला एक बस कश्मीर ले जाना है। बस में बैठे इंजीनियर जो बात करेंगे उसे ध्यान से सुनना और मुझे बताना। सर मुझे चेयरमैन पे भरोसा नहीं है, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, हम लोग टूर खत्म करने के बाद प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे और कंप्लेंट करेंगे। जरूर करेंगे। मैंने जॉन को फोन किया और बताया कि लोग आईपीएनसी के चेयरमैन की कंप्लेन प्रधानमंत्री से करने वाले हैं। तब जॉन ने कहा कि बस का एक्सीडेंट करो और बस को खाई में गिरा दो। फिर जैसे इंस्पेक्टर ने कहा मैं चलती बस से कूद गया, बस खाई में गिर गई और सारे लोग मारे गए। नहीं बताएगा? मुझे कुछ नहीं पता। बोल। ए, चल बोल। मुझे कुछ नहीं पता। ये कौन सा बॉम्ब है तुझे पता है क्या? क्रिमिनल्स जहां घुसा के इसको स्मगल करते हैं ना, हम लोग वही बॉम्ब लगा के क्रिमिनल कम करते हैं। अब बोलेगा? मैं बताता हूँ, जब मेरी दिल्ली में पोस्टिंग थी तब जॉन कवर से मेरी दोस्ती हो गई थी। उसने इस काम को अंजाम देने के लिए मुझे 1 करोड़ रुपए दिए थे। मैं भी उसकी बात मान गया। एक्सीडेंट स्पॉट पे मैं उनके साथ गया था। स्पॉट पे जाने के बाद पता चला कि वहाँ कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं और उसने उनको गोली मार दी। उसके बाद डीजल टैंक में गोली मारकर उसे ब्लास्ट कर दिया। लेकिन उस बस में ट्रेवल करने वाली एक लड़की बच गई थी, वो हमें नहीं पता था। अच्छा वो उसने चेयरमैन को फोन कर दिया था। सर मैं नर्मदा बोल रही हूँ। तुम कहाँ पे हो? लोग मारे गए। क्या बोल रही हो? मेरी टूरिंग बस मिस हो गई है सर, और वो बस पहाड़ से नीचे खाई में गिर गई है सर। बस के सभी लोग मारे गए हैं और जो बचे थे उन्हें गोली मार दी गई है सर। पास के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करो। सर मेरी बस मिस हो गई थी और वो बस खाई में जा गिरी, सभी लोग मारे गए हैं सर, बाकी लोगों को गोली मार दी। चेयरमैन ने उसे पुलिस स्टेशन भेजकर ये खबर हमें दे दी। जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसने मुझे वहां पर देखकर पहचान लिया और वहां से भाग गई। अगर ये बात बाहर पता चल गई तो खतरा बढ़ जाएगा, तो इसलिए जॉन ने उसे वहीं दिल्ली में मरवा दिया। बस यही सब हुआ था। मुझे जो कुछ पता था मैंने सब कुछ आपको बता दिया। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो। मनाली वाले एक्सीडेंट में इंक्वायरी कमीशन बैठा दिया गया है,
और ड्राइवर शुक्रा को अरेस्ट कर लिया गया। आईपीएनसी के चेयरमैन अग्रवाल साहब ने कोर्ट में गवाही भी दी है। सर सैयद, सारे चेयरमैन को आइलैंड पर बुला लो। मुझे बर्बाद करने का आप सब लोग मिलकर प्लान बना रहे हो क्या? मेरी पूरी दौलत खत्म हो जाए तो भी मैं अपनी इज्जत कभी खत्म नहीं होने दूंगा। ए चेयरमैन, साथ में रहकर मजे लेने के बाद जब तकलीफ हुई तो आ गए। गवर्नमेंट ही गलत है ये बताकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हो? आखिर पॉलिटिशियन ही हो ना तुम। ए पूरी दुनिया में तुम मुझसे बच नहीं सकता। वर्ल्ड वाइड मेरा बिजनेस फैला हुआ है। ए एक लड़के से तुम लोग डर गए? तुम लोगों में इतने भी अकल नहीं है? मुझे तुम लोगों ने इंक्वायरी कमीशन तक पहुंचा दिया, छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को। स्विस बैंक में 1,000 करोड़ रुपए है ना तेरे? लंदन में 5-स्टार होटल नहीं 7-स्टार होटल तुझे दिया है, वो भी मैंने। ऑस्ट्रेलिया में टापू चाहिए? अबे तेरी औकात है क्या? तू मेरे लिए बेकार है, तुझसे कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। चल निकल। उसी दिन अगर उस लड़की को मार दिया होता तो आज इतनी बड़ी परेशानी नहीं खड़ी होती। इन सब का कारण वो एसीपी ही है। उसके खानदान में एक भी मेंबर जिंदा नहीं बचना चाहिए। दिल मेरा धड़के मचला, मुझसे तो ये ना संभला। प्यासा है तन मन पगला, मैं जीऊं मरूं तू ये बतला। दिल मेरा धड़के मचला, मुझसे तो ये ना संभला। प्यासा है तन मन पगला, मैं जीऊं मरूं तू ये बतला। दिल है ये बहका तन भी बहका, वह कुछ करना। दिल है ये बहका तन भी बहका, वह कुछ करना। दिल है ये बहका तन भी बहका, वह कुछ करना। दिल है ये बहका तन है बहका, वह कुछ करना। मचला मुझसे तो ये ना संभला। प्यासा है तन मन पगला, मैं जी मरूं ये तू बदला। कर लेंगे मजे मजे हम, अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम। तुमको दे डाला ये दिल, तुम संग अब कहीं चलेंगे हम। तेरे दीवाने हम, तेरे हो गए हम भी। पानी में तड़पे मछली, देखो ना कैसे मछले। हम तुम मिलकर आगे चलकर आज नया कुछ कर लेंगे। दिल ने भी कहा ये कैसे हुआ कोई ना जाने। कुछ मिलकर करेंगे जलवा, जो नजर तुम्ही से लड़ गई। ये तन था मेरा चलता, छुआ तो ठंडक पड़ गई। मैं तड़पू तुझ बिन तड़पू, दिल करता है कुछ करने को। देखा मैंने सपना, पूरा कर दो सजना। तू दे दे मुझको मौका, है दिल मुश्किल से रोका। तन मन होता है पागल, तुम हालत मेरी देखो। हर सपना करना पूरा, अब कोई ना कदम रुकेगा। ये तन भी दिया, ये मन भी दिया है तुमको मेरे राजा। हम हलचल करेंगे ना हम डरेंगे, सुन ले रानी। प्यार किया है तुझी से, दिल तुझको ही तो दिया है। ये दुनिया कुछ भी कहेगी, उसकी चिंता क्या हमको। हर दिन ये मस्ती के, तू लग जा मेरे गले से। दिल मेरा धड़क के मचला, मुझसे तो ये ना संभला। प्यासा है तन मन पगला, मैं जीऊं मरूं तू ये बतला। दिल मेरा धड़क के मचला, मुझसे तो ये ना संभला। प्यासा है तन मन पगला, मैं जीऊं मरूं तू ये बतला। दिल है ये बहका तन भी बहका, वह कुछ कर...
करना, दिल है ये बहका तन भी बहका वह कुछ करना, दिल है ये बहका तन भी बहका वह कुछ करना, दिल है ये बहका तन है बहका वह कुछ करना। रीमा, तू क्या सपना देख रही है मैं जानता हूँ। सर तुमसे मिलते जुलते हैं और तुम गलत समझ रही हो। वो किसी और लड़की से प्यार करते हैं, उसका नाम समीता है और दोनों के घर वालों को रिश्ता मंजूर है। बेटी आने में बहुत देर कर दी, कोई परेशानी तो नहीं हुई? आओ बेटी, चलो वो बेडरूम है और वहां पे किचन है। अच्छा ठीक है ना।
चलो। ओके सर। शी इज डेड। ओह गॉड। सर सर अंदर चलो जल्दी। ओके सर 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 अकबर सर को क्या हुआ है अकबर देखो ना सर सर, सर। He's alive. Akbar, he's alive. He's alive. He's बेटा क्या सोच रहे हैं सत्या
सत्यम दीदी नमस्ते राकेश जी। नमस्कार सर। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। बैठ जाओ। राकेश जी आपका एक इंटरव्यू लेना चाहते हैं। बैठ जाओ। ये कौन है? इनका नाम सानिया है। ये एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर में पत्रकार हैं। इन्होंने कहा कि राजेश खेतान जी का एक इंटरव्यू चाहिए, मुझसे बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी, इसलिए मैं ले आया। मामा जी, आपने मेरी खातिर आज तक कितना कुछ किया है, तो क्या आपके लिए मैं एक इंटरव्यू भी नहीं दे सकता? आपसे एक इंटरव्यू लिया तो मैं नेशनल लेवल तक पहुंच जाऊंगी सर। मेरी नजर जिस पर पड़ी वो बड़ा आदमी बन जाता है। आपका नाम? ये कैसी बात कर रही हो? राकेश खेतान को पूरी इंडिया में कौन नहीं जानता? आपकी कंपनी का नाम? मेट्रो लाइंस का नाम तो सारी दुनिया जानती है, तुम नहीं जानती? इंडिया में तो आप बहुत ही पैसे वाले हैं, ऐसा सुनने में आया है, ये सच है? क्या पूछ रही है ये सब? जी हाँ। थैंक यू सर। चलती है। यही पूछने के लिए आप इतनी दूर आई थी? वैसे ये क्या क्या पूछ रही थी मैं समझ रहा था। बहुत कुछ पूछने के लिए आई थी, पूछूंगी तो मुझे कुछ हो ना जाए इसका डर है। डरिए मत, पूछिए ना। नहीं सर, आप नाराज हो जाएंगे। नहीं नहीं, पूछिए। आपके पिता एक साधारण बोझा ढोने वाले इंसान थे और आप इंडिया के बहुत बड़े अरबपति हैं, ये सब नंबर एक की कमाई तो नहीं होगी ना? ऐसा लोगों को कहते सुना है। साधारण चप्पल सीने वाला लड़का अमेरिका का प्रेसिडेंट बना था, अब्राहम लिंकन। आठवीं फेल था बिल गेट्स, आज वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पैसे वाला है। इंडिया में ही अगर पैसे वाले रहेंगे तो लोग समझेंगे गलत रास्ते से कमाया है। अगर गरीब होता तो यही लोग दुनिया में मुझे जीने नहीं देते। इन लोगों की मुझे कोई फिक्र नहीं है। आपका स्विमिंग पूल स्विट्जरलैंड में है, फ्रांस में आपका फार्म हाउस है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी विला है, बहुत सी कंट्रीज में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। तुम बस मेरे सारे प्रॉपर्टी के बारे में ही जानती हो, लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा टैक्स मैं पे करता हूँ, ये जानती हो? 30,000 करोड़ रुपए। आप सब तो सिर्फ बातें ही करते हो, लेकिन मैं टैक्स भर के बात करता हूँ। इन सारे बिजनेस की शुरुआत आपने की थी, ये सच है ना? नहीं, मैंने पब्लिक के लिए ट्रस्ट भी खोल के रखा है। दाल चावल से लेकर आखिर में सब्जी भाजी तक बेचने के लिए उतर गए, इसे आप सेवा कहते हैं सर। इस सेवा की आड़ में न जाने कितने गरीबों को मार रहे हैं। ये क्या बेटी, तुझे तो सिंपल सवाल पूछना चाहिए, ये क्या पूछ रही है तू? क्यों दुश्मनी मोल ले रही है इनसे? हम दोनों की जो दोस्ती है तू उसे आज दुश्मनी में बदल रही है। मामा जी, आपको मेरे बारे में पता होना चाहिए, यह मैं किस लिए करता हूँ ये भी पता होना चाहिए, सुबह उठकर पढ़ने वाला न्यूज़पेपर भी मेरा होना चाहिए, मंजन करने वाला पेस्ट भी मेरा होना चाहिए, देखने वाला टीवी भी मेरा होना चाहिए, बात करने वाला फोन भी मेरा होना चाहिए, उड़ने वाली फ्लाइट भी मेरी होनी चाहिए, लैंडिंग करने वाला एयरपोर्ट भी मेरा होना चाहिए, मेरी ही कंपनी की कार होनी चाहिए और उसमें डलने वाला पेट्रोल भी मेरी कंपनी का होना चाहिए। इंडिया में पैदा होने वाला बच्चा जिस हॉस्पिटल में पैदा होगा वो हॉस्पिटल भी मेरा, और वो जहां जलेगा वो शमशान भी मेरा होना चाहिए। इसके लिए इंडिया की सारी फैमिली को 10,000 रुपए मुझे देने ही पड़ेंगे। 10,000 रुपए? मतलब आप लगान लेना चाहते हैं? राजा के जमाने में भी लगान लेते थे। अरे सानिया, ये राजा नहीं महाराजा अधिराज हैं। इंडिया को क्या ये अपना गुलाम बनाना चाहते हैं? ये प्रजातांत्रिक देश है, ये जो सोचेंगे यहाँ वैसा ही होगा। ये लोकतांत्रिक देश है, ये जो सोचेंगे वैसा नहीं होगा। अगर मैं चाहूंगा तो ये सब हो जाएगा। घमंड है आपको? भरोसा है। आपको घमंड है, सॉरी, आपको भरोसा है, पर इसकी वजह क्या है? मेरे जीत की वजह जानना चाहती हो? ए सुनील। सर। ऊपर जाओ। ओके सर। वहां से तुम मुझे घूम कर देखना। ओके सर। और कूद जाना। सर। जाओ। ठीक है सर। रुकिए सर, रुकिए सर।
सिर्फ यही नहीं, इंडिया में मैं जिसे भी बोलूं वो कूदने को तैयार हो जाएगा, समझी? मिस्टर मुखर्जी। सर। कितने सालों से आप मेरे पास काम कर रहे हो? 35 सालों से काम कर रहा हूँ सर। मुझसे ज्यादा मेरे जायदाद की कीमत आप ही जानते हो, है ना? जी सर। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी जायदाद कहाँ कहाँ फैली है ये मैं भी नहीं जानता। जी सर। ऊपर जाइए। ओके सर। वहाँ से घूम के देखिएगा। कूद जाऊंगा सर। सर सर आप कहाँ जा रहे हैं सर? उन्होंने कूदने के लिए कहा तो बिना कुछ सोचे ऊपर से कूदने के लिए तैयार हो गए। अगर मैं उनकी बात मान गया तो ये मेरे खानदान के साथ पीढ़ियों को संभाल लेंगे। सर आप कूदेंगे तो आपकी जान भी जा सकती है। अगर मैं कूदूंगी नहीं तो भी मेरी जान जाएगी। सर रुकिए। क्या हुआ, डर गई क्या? आपके पास जो काम करते हैं वो डरते होंगे। मैं एक पत्रकार हूँ, मैं डरने वाली नहीं हूँ। पत्रकार होने का मतलब आसमान से टपक कर आई हो क्या? आपके बारे में हकीकत लिखने के लिए आसमान से टपकने की जरूरत नहीं है, पेन में स्याही होनी चाहिए बस। स्याही हो सकती है लेकिन तुम्हारी जान नहीं रहेगी तो क्या? आप जान देने वाले ब्रह्मा नहीं हो और जान लेने वाले शिव भी नहीं, सब कुछ मैं ही हूँ ऐसा बोलते रहते हो। एक दिन तुम भी इस मिट्टी में मिल जाओगे। घमंड तो रावण का भी टूट गया था। इस देश का इतिहास लिखने वालों में हमारे जैसे पत्रकारों का भी हाथ है। आगे अगर जिंदा रहे ना तो तुम अपनी आँखों से देख लेना। योर ऑनर, नर्मदा आईपीएनसी में काम करने वाली एक इंजीनियर थी। बस में जो थे उन्हें कैसे मारा गया ये उसे पता था, इसलिए दिल्ली में आकर उसे ढूंढा और उसे मार दिया गया। वो अगर जिंदा होती तो किसी के लिए वो खतरा थी, इसलिए हॉस्पिटल में उसके नकली मां बाप बनकर कुछ लोगों ने उसका मर्डर कर दिया। और इस सच्चाई को मैं ही जानता हूं, इसलिए मुझे मारने की कोशिश में मेरे पूरे परिवार को मार दिया। ये सारा उनका प्लान है। फैंटास्टिक मिस्टर सत्यवीर सिंह, फैंटास्टिक। बहुत अच्छी कहानी बनाई आपने, इंटरेस्टिंग। ओह माय गुडनेस, आई नेवर थॉट दैट यू हैड सच अ क्रिएटिविटी पावर। आई सैल्यूट इट। सो उस लड़की की किसी और ने हत्या करने की कोशिश की, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट। उसके लिए उसका कोई दूसरा कारण भी हो सकता है, लेकिन आपने जो कारण बताए है ना, दैट इज व्हाट आई ऑब्जेक्ट। आपने जो कहानी सुनाई वो अच्छी थी, अब मैं कहानी सुनाऊं। नर्मदा एक लड़के से प्यार करती थी, ये बात उसके माँ बाप को पसंद नहीं थी। वो दोनों भाग गए। उन्होंने भाग के शादी करने की कोशिश की लेकिन मन बदल गया तो वापस आ रहे थे। ये बात लड़की के पिताजी को पता चली। उसने उन दोनों को मारने के लिए गुंडे भेजे लेकिन वो बच गई क्योंकि आपने बचा लिया। कैसी लगी मेरी कहानी? अच्छा एक और कहानी सुनाऊं। नर्मदा के माँ बाप अच्छे लोग हैं लेकिन उसने गलत इंसान के साथ प्यार किया और उसके साथ वो चली गई एक ऑफिशियल टूर पे। लेकिन वहां पर उस लड़के ने नर्मदा का रेप करने की कोशिश की और वो वहां से भागी। वो आपके पास आई और आपने उसे बचा लिया। सही कह रहा हूं ना? अब आपको एक और कहानी सुनाता हूं। माँ बाप अच्छे लोग, लवर भी अच्छा, नर्मदा बिगड़ी हुई। सुपर ओपनिंग सर। सॉरी योर ऑनर। ये वकील कह रहे हैं कि मैंने अच्छी कहानी सुनाई है, जबकि उन कातिलों को बचाने के लिए इस कोर्ट में ये वकील एक अच्छी खासी कहानी बना रहा है। इसमें शामिल लोग मेरे दोस्त भी नहीं हैं और ना ही मेरे दुश्मन हैं। इसलिए योर ऑनर मुझे झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है। मिस्टर सत्यवीर सिंह, आप तो पढ़े लिखे आईपीएस हो, आपको सब पता होगा। आईपीटीयू, गवाहों के बिना कोर्ट में जो भी बोलोगे वो कहानी ही लगेगी सर। वो एक सच्ची कहानी है या फिर एक झूठी कहानी, वी आर नॉट बॉदर्ड। वी आर बॉदर्ड ओनली अबाउट प्रूफ। यस योर ऑनर, एविडेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग इन दिस कोर्ट ऑफ लॉ। प्लीज सर इन्हें बताइए, छोटे छोटे मसलों से फैसले नहीं होते, इनकी कहानियों से कुछ नहीं होगा। आस्क हिम नॉट टू वेस्ट द टाइम योर ऑनर।
कौन हो तुम लोग? जॉन के आदमी है सर। वो कहाँ मिलेगा मुझे? रामनगर। कुलदीप सिंह, गो दैट साइड। ओके सर। तुम सब लोग जाओ एंड कवर दिस एरिया। गो। चलो। अकबर सर, बी अलर्ट। यस सर। कहाँ है बता, चल बता मुझे। लाल चौक में, मामा जी की दुकान में। ए मामा, सीरियस मैटर को कॉमेडी से बता रहे हो? चल बता जॉन कहाँ है, बता जल्दी कर, बता बता ताकि तेरी हड्डी मछली कर दूँ। चल बता भाई, तुम भाग जाओ, पुलिस आ गई है। अरे चलो। अरे भाई तू तो भागने लगा, बाहर पुलिस वालों की भीड़ लगी है, तू मुझे अकेले छोड़कर कहाँ भाग रहा है? एक बूढ़े आदमी की मदद नहीं करोगे? लंगोट बांध कर आया ना? हाँ बांधा हुआ है। धोती उठा और चढ़ जा। ए, अगर मैं पकड़ा गया तो तुझे ही फंसाऊंगा। बाप रे, कितने लोगों को यहां से चढ़ा के भगाया है, आज मैं ही नहीं भाग पा रहा हूँ। चल रहा हूँ सर, आराम से। हाँ आराम से, आराम से चलिए। चल चल तुझे बता। अरे मैं यहाँ से भी नहीं चल, चल। टायर है सर। चलो होशियार बनता है, चल चल। सर इसे सब पता है, इसे मारेंगे तो सब उगलेगा ये। मामा जी, सब जी करके बोलते हैं, तू अपने आप को मान समझता है? असलियत में तू मामा नहीं है, यू आर अ पिंप। तुमने मुझे पिंप कितनी आसानी से बोल दिया। बड़े बड़े वीआईपीओ के घरों में जाकर उनकी टेलीफोन डायरेक्टरी देखो, मेरा नाम ही पहले पेज पे रहेगा, चेक कर लो। हे, एक तो गलत काम करता, ऊपर से मैं आगे दिखाता है। चुप कर, पब्लिक के दुख को दूर करता हूँ मैं। पॉलिटिशियंस और ऑफिसर्स लोगों को क्या देता हूँ मैं? खुशी। समझ में आया कुछ? क्या देता हूँ? खुशियाँ देता हूँ। सब लोग खुश हो जाते हैं। तू जानता है गवर्नमेंट भी मेरे हाथ में है, मैं चाहूँ तो इस गवर्नमेंट को कभी भी गिरा सकता हूँ। मेरा पावर तुम्हें पता नहीं है, कुछ नहीं उखाड़ सकते तुम मेरा। इंस्पेक्टर साहब, मेरे नाम से कोई भी केस डाल दो, धंधा करवाता हूँ, डाल दो। मेरे लिए एक अच्छे से अच्छा वकील खड़ा हो जाएगा, चाहे मैं कितना भी बुरा हूँ तब भी, चाहे कितना भी बड़ा जज मेरे खिलाफ खड़ा कर दो, वो सब मेरे कस्टमर ही हैं। उन सब लोगों की एक ही कमजोरी है जो मैं जानता हूँ, कौन से केस को कैसे तोड़ना है सब जानता हूँ मैं, अच्छे से जानता हूँ मैं। मेरे नाम से चेक कर लो, कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। तुझे पता है क्या, हम भी कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। लेकिन मैं रखता हूँ, मुझे किस किस ने अरेस्ट किया, अच्छे से पहचान लिया सबको, किस किस ने मुझे जीप में बिठाया और यहाँ तक लेकर आया, किसी को बोलूंगा नहीं मैं। अब तक मेरे नाम से FIR करके लोग मामा जी कहाँ है, मामा जी कहाँ है ढूंढ रहे होंगे। प्राइम मिनिस्टर को अगर अरेस्ट किया तो 10 मिनट के बाद कार्रवाई होगी, मामा जी को अगर अरेस्ट किया तो 10 सेकंड के बाद ही लोग ढूंढने लगेंगे मामा जी कहाँ है, मामा जी कहाँ है। ये सब तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ए, तेरी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, यहाँ कोई मीटिंग चल रही है क्या? तेरी मीटिंग का भाषण सुनने आया हूँ। तू कौन है,
तेरा उस पेट्रोलियम के चेयरमैन के साथ क्या संबंध है? उसने तुझे कितना खिलाया और तूने कितना खाया, किस किस को बांटा? उस बस एक्सीडेंट और तेरा क्या संबंध है? उस बस को कैसे जलाया? सब कुछ बताना होगा। सीधे सीधे बता दोगे तो तुम्हारी जान बच जाएगी, नहीं तो पीस पीस करके काट दूंगा। मामा जी, ये जानते हैं क्या है? लेटेस्ट इनसाइड बॉम्ब। तो क्या इसे मेरे शरीर में लगा दोगे? एक मिनट में फट जाएगा। लीव। फोन, रिमोट फोन, बस एक बटन दबाऊंगा, मुर्गी के पंखों की तरह चिथड़े हो जाएंगे तेरे। बताएगा या सीधा स्वर्ग जाएगा? वैसे तू स्वर्ग कहां जाने वाला, तुझे तो नर्क जाना पड़ेगा। बोल, भेजू क्या? नहीं नहीं नहीं, मत, नहीं नहीं नहीं। अरे बाप रे, बताता हूँ। आप जैसा सोच रहे हैं, मैं और चेयरमैन मुजरिम नहीं है, हमने कुछ नहीं किया है। आप लोग सपने में भी नहीं सोच सकते वो आदमी कौन है। केतन मेट्रो एयरलाइंस का चेयरमैन राकेश खेतान, उसी ने ये सब किया है। इंडियन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बंगाल की खाड़ी में 2,00,000 करोड़ रुपए का पेट्रोल मिला, उसे पता चला। लेकिन राकेश खेतान उन लोगों के बारे में जान गया जिन्होंने पेट्रोल की खोज की, इसलिए केतन खेतान ने सब कुछ टेक ओवर करने का फैसला लिया, और इसके लिए उसने मेरा इस्तेमाल किया। उसने मेरे कनेक्शन को यूज करके अपना कॉन्ट्रैक्ट डाल दिया। उस जगह पर जो पेट्रोल निकल रहा है उन्हें फौरन रोकने को बोलो। ये क्या बोल रहे हैं? और 6 महीने में वो जगह मेरी होनी चाहिए। कैसे होगा? उसके लिए मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, और वो प्रोजेक्ट सिर्फ मेरे हाथ में आ गया तो 2,00,000 करोड़ का फायदा होगा। उस प्रोजेक्ट के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अग्रवाल, अभी जो सत्ता पर है वो 300 MPs हैं, ऑपोजिशन पार्टी को सपोर्ट करने वाले 240 MPs और मुझे सपोर्ट करने वाले 500 MPs हैं। किसी भी पार्टी को मुश्किल आ सकती है, लेकिन मुझे नहीं आएगी। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो उस प्रोजेक्ट का मैं आपको चेयरमैन बना सकता हूँ, और अगर नहीं तो मैं जिससे भी चाहूंगा उससे ये काम करवा लूंगा। आपने जैसा बोला था मैंने वैसा करवा दिया। उसके इस काम में रुकावट डालने के लिए कई लोग आए। उसने कई लोगों को पैसे से खरीद लिया और कई लोगों को बिस्तर पे खरीद लिया, और कुछ लोगों के खून से उसने होली भी खेली और कुछ लोगों को जान से मरवा दिया, और उसका एविडेंस जड़ से मिटा दिया। किसी को नहीं छोड़ा उसने। लेकिन साइट पे काम करने वाले इंजीनियर्स को इस बात पर शक हो गया। गुड मॉर्निंग सर, हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट पे दिन रात मेहनत की है सर। कितने दिनों तक हमने किनारा नहीं देखा, समुद्र में हमने टीम वर्क किया है। आखिर में फाइनल रिजल्ट मिलने के टाइम पर प्रोजेक्ट स्टॉप कर देंगे तो हमें बहुत दुख होगा सर। मुझे भी बहुत दुख हो रहा है बेटी, पर क्या कर सकते हैं। हम लोगों ने 7-8 जगह टेस्टिंग की है, सभी जगह फेल हो गए। ये प्रोजेक्ट भी 90% तक पूरा हो गया है, अभी स्टॉप करेंगे तो 10% बचेगा। 10% बोलेंगे तो आपको छोटा अमाउंट लगेगा, 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 10% का मतलब 100 करोड़। अपने जैसे गरीब देश के लिए 100 करोड़ बोले तो बहुत बड़ी बात है। वी कैन नॉट टॉक इन प्रेडिक्शन, गवर्नमेंट का पैसा है तो कोई छपा हुआ कागज नहीं है, वो
पब्लिक का खून है, उसे वेस्ट करने का मेरे पास कोई राइट नहीं है। सर 100 करोड़ मतलब बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन 2 लाख करोड़ तो उससे भी बड़ी बात है। व्हाट डू यू मीन? हाँ सर, इस यूनिट के हिसाब से 2 लाख करोड़ इस कंपनी को मिलेगा सर, और जरूर मिलेगा सर। अगर वो हमें मिल गया तो हमें पेट्रोल इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोग इतना जोर दे रहे हैं तो मैं फिर से इस केस की जांच करवाऊंगा। आप लोगों का फैमिली टूर ड्यू है ना, आप लोग टूर पे जाइए, मैं मिनिस्टर से बात करके एक अच्छा सा सलूशन निकालता हूँ। मनाली में उसने सारे इंजीनियर्स को मरवा दिया और एक्सीडेंट का केस बनाकर मामला रफा दफा करवा दिया। मैंने अभी तक जो भी कहा वो सच है, सच है, सच है, और इसमें सच के सिवा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है जज साहब। मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ कि नहीं, मिनिस्ट्री में बात हो चुकी है, हमारा आदमी सही सलामत छूट जाएगा। हर हाल में काम होना चाहिए, मेरे मामा जी को बेल मिलनी ही चाहिए। मैंने इस कमीशन से रिजाइन करने का फैसला कर लिया है। यह किसी अकेले की साजिश नहीं है, किसी गैंग की साजिश है। अपनी लाइफ में मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, लेकिन इस तरह का एक भी केस मैंने कभी नहीं देखा। सर तो आपको लगता है कि इसमें पूरी सरकार का हाथ है? इसमें पूरी गवर्नमेंट मिली है या फिर इसमें गवर्नमेंट के थोड़े से लोग मिले हैं, यह सवाल नहीं है। अगर इस पर विचार करें तो इस कमीशन को रुकवाने वाले इसमें शामिल हैं, इसीलिए उन लोगों को सबूत को पूरी तरह खत्म करने का मौका मिल गया। सर कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, अगर उसने गलती की है तो कोर्ट में आकर उसे सजा मिलनी चाहिए। सर अगर आप जैसे ऑफिसर हिम्मत से फैसला लेंगे तो इन खतरनाक गुनहगारों से लड़ने के लिए हम जैसे जूनियर्स की हिम्मत बढ़ेगी। इसे हम जीत सकते हैं अगर हमें थोड़ा सा भी भरोसा होता। उनके साथ हम जितना चाहे लड़ सकते हैं, किसी से भी हम भिड़ सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा मुझे साफ दिखाई दे रहा है। इस इंक्वायरी कमीशन का मैं मुखिया क्यों बनूं, इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है। सर अब मुझे आप पर शक हो रहा है, आपने जज बनकर न जाने कितने फैसले सुनाए होंगे, वो सभी सच्चे फैसले थे या फिर राकेश के जैसे शैतान से डर के लिए वो फैसला था? सत्यवीर सॉरी सर, कोई भी इंक्वायरी कमीशन बैठा इसमें कोई पॉलिटिक्स कर रहा है ये आपको पता नहीं है क्या? इस कमीशन में भी गवर्नमेंट को खिलाने वाले लोग हैं, ये पता नहीं है क्या? तो क्या फायदा है सर इस इंक्वायरी कमीशन का ढोंग करने का? इस कानून को रखकर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुमसे ही नहीं मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा और वो भगवान भी कुछ नहीं कर पाएगा। इंडिया की जितनी भी पब्लिक है वो अटैक करे तो होगा। तुम गवर्नमेंट के साथ लड़ सकते हो क्या? गवर्नमेंट के साथ लड़ सकते हो लेकिन उनके चलाने वालों के साथ बिल्कुल नहीं। 5 करोड़ में 10 करोड़ में बिकने वाले जब तक ये MP लोग है ना, वो जो करते हैं वो ही कानून है। जो वो बोलते हैं वही फैसला है।
तो होगा होगा, बारिश तुम कर दो राजा, चांद तुम मेरी ले लो, जुल्फों में मेरी खेलो, दिल को भी खोना पड़ा फिर भी दिल तरसा, कर लो अब तो तुम प्यार का इरादा, देखो देखो हम तोड़ेंगे ना वादा, प्यासे दिल को अब तुम ना रोको ज्यादा, आ जाओ सत्यवीर सिंह, आ जाओ। सोनिया वर्मा को मैंने ही अगवा करवाया था, ऐसा लोगों को यकीन दिलाया था ना। ए सत्यवीर सिंह, जवान लोगों का सपना बस खूबसूरत लड़कियां ही होती हैं, लेकिन उन सारी खूबसूरत लड़कियों का सिर्फ मैं ही सपना हूँ। मेरे इसी स्टेटस को, रुतबे को एक लड़की के चलते तुमने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। गवर्नमेंट के पैसे को अपना पैसा समझते हो क्या? और जो तुम्हें रोकेगा उसे जीने नहीं दोगे? हार बनाते वक्त थोड़े फूल गिरते भी हैं, गिरने वाले फूलों के बारे में फिक्र करोगे तो हार नहीं बना सकते। गिरने वाले फूलों की मैं फिक्र नहीं करता, सब जानता हूँ। कोई भी कानून तुझे कटघरे में खड़ा नहीं कर पाया है। कानून गरीबों को बचाने के लिए नहीं, हम जैसे अमीरों के लिए है। लेकिन अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? पुलिस की मार कैसी लगी? हाँ,
जब मेरे जैसा पुलिस वाला मार खाता है तो उसका एक मतलब होता है, हम अपना हाथ कटवा लेते हैं, जानता है क्यों? तो जैसे क्रिमिनल्स को खत्म करने के लिए। तक तो जिंदा रहेगा तो ना। हे, वो यहाँ पर है ये सिर्फ तू ही नहीं जानता है, वो लड़की यहाँ पर है, अब ये पूरी दुनिया जान जाएगी। ये मेरा एरिया है, कोई नहीं आ पाएगा। वहां देख सब आ गए। आपने कहा था सोनिया का किडनैप मैंने नहीं किया, अब आपका क्या कहना है? ये झूठ बोल रही है, मैंने सोनिया को किडनैप नहीं किया, ये खुद यहाँ आई है, मैं नहीं लाया, और मेरा और इसका कोई भी संबंध नहीं है। केतन साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? सोनिया तो आपके पास ही खड़ी है और आप कह रहे हैं कि किडनैप नहीं किया। हमारे सामने ही आपने एसीपी को मारा है, अब आप अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ क्या हुआ आप ही बताइए मैडम। मुझे किडनैप करके मेरे पिताजी को इसने धमकी दी कि इंक्वायरी कमीशन चेयरमैन की पोस्ट से इस्तीफा दे दे ताकि ये बच सके, लेकिन एसीपी ने मुझे बचाया। अगर ये नहीं आते तो ही वुड हैव किल्ड मी। प्रोसीड। योर ऑनर, आई विल सॉरी टू से, कानून के लिए और इंसाफ के लिए टुडे इज ब्लैक डे, आज का काला दिन, कटघरे में खड़े राकेश खेतान ही नहीं सबके लिए है, ही इज बिजनेस मैग्नेट ऑफ इंडिया, ये हमारे देश में बहुत सी कंपनियां चला रहे हैं, भारत के कई लाख परिवारों को पाल रहे हैं। मैं एक लाइन में कहना चाहता हूँ, भारत के आर्थिक ढांचे के लिए ये एक बहुत मजबूत स्तंभ है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, गवर्नमेंट को भर भर के देते हैं ऐसा ये बोल रहे हैं, बट द फैक्ट इज गवर्नमेंट को इन्होंने जो कुछ भी दिया है उनकी कमाई में से होने वाले फायदे में से टैक्स दिया है, अपनी जेब में से कुछ भी नहीं। मिस्टर पीपी, मैं सेवा करने आया हूँ ये तो नहीं बताया ना, मैं बड़े बिजनेसमैन की तरह बिजनेस करने आया हूँ, मैं किसी काम में करोड़ों रुपए डालता हूँ और उसके बाद अरबों कमाता हूँ तो ये मेरी गलती है क्या? वेरी गुड, आप बिजनेस करते हैं उसमें से आप कमाते हैं तो आपने बहुत अच्छी तरह से बताया, लेकिन आप महात्मा गांधी की तरह सेवा करके कमाते हैं ऐसा आपके वकील साहब कहते हैं। आज से 10 साल पहले टेलीफोन कनेक्शन के लिए लाइन में लगना पड़ता था, 3,000 जमा करके 10 साल इंतजार करना पड़ता था, अगर 15,000 भरोगे तो सिर्फ 3 साल वेट करना पड़ेगा ऐसा आपकी गवर्नमेंट ने कहा था। वो बिजनेस मैंने भी शुरू किया, कैसे जानते हो, पैसे दे दो और हाथ में फोन लेकर जाओ, और आज पैसे वालों से लेकर ऑटो वालों से लेकर रास्ते के भिखारी तक सेलफोन पर बात कर रहे हैं तो उसका कारण मैं हूं। हीरे के पत्थर से लेकर नमक के पत्थर तक का बिजनेस आप ही करेंगे उसे सेवा कहेंगे, जहाज की कंपनी से लेकर सब्जी की दुकान खोलेंगे उससे कमाएंगे और उसको भी सेवा कहेंगे। अच्छा है, लॉन्ड्री शॉप से लेकर के बार्बर शॉप खोलेंगे उससे भी कमाएंगे उसको भी सेवा। इन लोगों की वजह से छोटे धंधे वाले नुकसान उठाते हैं और खुदकुशी कर लेते हैं, ये खुदकुशी नहीं है ऑनर, इन लोगों का बनाया हुआ एक प्लान कत्ल करने का, ताकि इंडिया की एक एक फैमिली इसके पैर छुए ऐसा चाहता है, ये पब्लिक के वोट से चुने हुए नेताओं को भी अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाते हैं योर ऑनर। कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता इनके पैरों के नीचे होना चाहिए, कोई भी सरकार आती है मगर सत्ता इनकी होती है, ये चाहते हैं कि सरकार में भ्रष्टाचार होता रहे, हमारा देश किसी के सामने झुके नहीं ऐसा सपना देखते हैं, लेकिन देश के बाहर जाते ही सब कुछ भूल जाते हैं, ये राजनेता भी इनके साथ है, अधिकारी भी इनके साथ है, इंडिया की पब्लिक को मजबूत बनाने वाले आप ही लोग हो, नौजवानों के भविष्य भी बनाने वाले आप ही लोग, ऐसा कहा था अब्दुल कलाम ने, अगर उनके सपने को सच करना है
तो राकेश खेतान को सलाखों के पीछे भेजना होगा। आप जो भी करते उसे आप सेवा कहते हैं ना, तो जुर्म करना भी आप एक सेवा मानते ना मिस्टर राकेश। लाखों परिवार को अगर आप पालते तो कुछ परिवारों की जान लेने का भी तो हक बनता है ना। आईपीएनसी में मारे गए इंजीनियर और उसकी फैमिली से मेरा कोई संबंध नहीं है। इसी बात का मैं इंतजार कर रहा था योर ऑनर। मैं तो कुछ आम परिवारों की बात कर रहा था। इन्होंने जज्बात में आके आईपीएनसी इंजीनियर्स के परिवार वालों का नाम ले लिया तो फिर कत्लापी ने करवाए हैं। आईपीएनसी के इंजीनियरों का मेरे क्लाइंट ने कत्ल करवाया है, ये तो ऐसा बोल रहे हैं जैसे इन्होंने खुद ही देखा हो। अगर आप कहें तो मैं इनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। टूर पर जाने वाली बस को मेरे क्लाइंट चला रहे थे या उस बस में जो जिंदा बचने वाले लोग थे उन्हें मेरे क्लाइंट ने अपने हाथों से गोली मार दी, या फिर हॉस्पिटल में जो इंजीनियर नर्मदा एडमिट थी उसको अपने हाथों से गला दबाकर मार दिया? ताजमहल को किसने बनवाया सर? ताजमहल को बनाने वाले थे मुगल सम्राट शाहजहां। तो ताजमहल को बनाने वाले मजदूर और मिस्त्री नहीं थे? ताजमहल कैसा बनना चाहिए इसका आइडिया भी शाहजहां ने दिया था, उसको बनाने का बजट भी उन्होंने तैयार किया, उस पर लगने वाले पैसे को भी देने वाले शाहजहां थे। ताजमहल वाज बिल्ट बाय शाहजहां। ठीक वैसा ही हुआ। कुल्लू मनाली में इंजीनियर्स को मारा गया, नर्मदा को हॉस्पिटल में मारा गया। वो पैसों के लिए काम करने वाले, लेकिन इस कत्ल की प्लानिंग करने वाले, पैसा देने वाले और ये सब कुछ मुहैया कराने वाले मिस्टर राकेश खेतान है, और इन सब के जिम्मेदार मिस्टर राकेश खेतान है। योर ऑनर, आईपीएनसी के मरने वाले इंजीनियरों की पूछताछ के लिए एक कमीशन बैठाया गया था, वो इंक्वायरी अभी खत्म नहीं हुई। इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, अगर इंक्वायरी हो गई तो सब कुछ बाहर आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इसलिए मिस्टर राकेश खेतान ने सोनिया वर्मा का किडनैप किया। मिस्टर राकेश खेतान, आप अपनी कंपनी के लिए सोनिया वर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते थे ना? जी हाँ। और वो मान गई थी? नहीं, इनकार कर दिया। इसलिए आपने किडनैप कर लिया? नो, मैंने किडनैप नहीं किया। तो आपने सोनिया वर्मा का किडनैप नहीं किया, तो फिर सोनिया वर्मा आपके घर कैसे पहुंची? योर ऑनर, सोनिया वर्मा को इन्होंने किडनैप किया ऐसा पूरा देश जानता है, इसलिए इनके कंपनी की इमेज डाउन होते जा रही है। ऐसे हालात में सोनिया वर्मा कहाँ पे हैं ये मालूम होते हुए भी इन्होंने पुलिस को नहीं बताया। आई नीड अ क्लेरिफिकेशन ऑन दिस मैटर योर ऑनर। पुलिस कितनी ईमानदार है ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट की तरक्की को नापसंद करने वाले इनको रोकने का प्लान बना रहे हैं मिस्टर सत्यवीर सिंह, वो यहीं पर है। इस काम के लिए सत्यवीर सिंह ने कितने करोड़ रुपए लिए हैं ये बात भी कोर्ट को पता चलनी चाहिए योर ऑनर। इन पर लगाए गए इल्जामात के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? यस योर ऑनर, एसीपी सत्यवीर ने ही सोनिया का किडनैप किया, करोड़ों रुपए के लिए किडनैप किया, इंडिया के 135 करोड़ जनता के लिए ही किडनैप किया। गवर्नमेंट को जो मिलने वाला था वो राकेश खेतान को देने के लिए हुआ ये कत्ल। इंक्वायरी कमीशन की तरफ से वो सारी बातें पब्लिक को नहीं बता पा रहे थे, उन्हें किसी भी तरह से सारी बातें पब्लिक को बतानी चाहिए, पर सत्यवीर सिंह ने सोनिया वर्मा का किडनैप कर लिया। अब एक किडनैप का केस आईपीएनसी इंजीनियर्स के कत्ल में बदल गया है। आपने अभी जो कुछ भी कहा उसको साबित करने के लिए कोई प्रूफ है, उसका कोई गवाह है? यस योर ऑनर, आईपीएनसी चेयरमैन मिस्टर जीडी अग्रवाल, फेमस बिजनेसमैन मामाजी, ड्राइवर शुक्राम, इज्जत के साथ कानून के मुताबिक मैं इन सबको कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। आई नीड योर परमिशन। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू ऑनर। आफ्टर लंच ब्रेक बाकी की कार्रवाई होगी। ड्राइवर सुक्राम, ड्राइवर सुक्राम, ड्राइवर सुक्राम, हाजिर हो। बस को चलाने के लिए महीने में 5,000 मिलते हैं, तो फिर बस को खाई में गिराने के लिए तुमको कितना मिला? नो क्वेश्चन योर ऑनर। मामा जी हाजिर हो, मामा जी, मामा जी हाजिर हो। तुम जैसे लड़कियों को वीआईपी के पास भेजते हो और उन लड़कियों से मजा भी लेते हो, इस काम के लिए तुम्हें फांसी होनी चाहिए। तुम्हें फांसी लगवाऊं क्या? क्या बोलते हो? वेल,
नो क्वेश्चन माय लॉर्ड। जीडी अग्रवाल हाजिर हो, जीडी अग्रवाल हाजिर हो, जीडी अग्रवाल हाजिर हो। बाहर से सफेद और अंदर नहीं पता। अच्छे से सेटल हो गए ना, अगर सच्चाई खुल गई ना तो अंदर ही सड़ोगे। नो क्वेश्चंस योर ऑनर। यस योर ऑनर, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विटनेस, असिस्टेंट कमिश्नर सत्यवीर सिंह। सर, इस केस में अभी तो मैंने आपसे कोई सवाल ही नहीं किया योर ऑनर, अभी भी मैं नो क्वेश्चन ही बोलूंगा। सर ये तो आप अन्याय कर रहे हैं, विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन का परमिशन लेकर ना आप सवाल कर रहे हो ना मुझे कुछ बोलने दे रहे हो, इसका क्या मतलब है? हजारों मतलब है इंसाफ के, इंसाफ और कानून के तौर पे आप यह नहीं बोल सकते। सर मैं जो कहना सवाल करने के बाद ही आप जवाब दीजिए, यू अंडरस्टैंड योर ऑनर। चौथा नो क्वेश्चन बोलने से पहले मैं कुछ सच्चाई आपको बताने जा रहा हूं। मैं इस कोर्ट में आके बातें करूंगा तो मेरी फीस होगी 5 लाख रुपए, मुझे घमंड था लेकिन आज वो मेरा घमंड टूट गया। लंच ब्रेक में एक बड़े आदमी ने मेरा वो घमंड तोड़ दिया। उस बड़े आदमी ने मुझे 50 करोड़ का ऑफर दिया। मैं सिर्फ 4 बार नो क्वेश्चन बोलूं तो बस हो गया सारा काम, ऐसा कहा मेरे सामने लड़ने वाले वकील ने। ऐसा बोलने से वो केस जीत जाएंगे, राकेश खेतान ने कहा। मेरे पास 60 बंगले हैं, 70 फैक्ट्री हैं, 60 कारें हैं, 1 लाख करोड़ है मेरे पास, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ एक जान है, ऐसा बोले। डराया, सोच कर देखा मैंने, हाँ बिल्कुल मेरे पास एक ही जान है, लेकिन इतना बड़ा बिजनेसमैन हो गए इसके पास भी तो एक ही जान है, इसको जहां चाहूं मार सकता हूं, ये सोचने वाले सत्यवीर के पास भी एक ही जान है, लेकिन इनको नहीं मारा। क्यों? क्योंकि इस 4 दीवारी वाले कोर्ट में गांधी जी की एक फोटो लगी हुई है जहां इनको इंसाफ मिलने की उम्मीद है। सत्यवीर सिंह तुम एक पागल हो, बेवकूफ इंसान हो। इस इंसाफ के देवी पर आपको विश्वास नहीं है क्या मिस्टर कपूर? नो योर ऑनर, अगर मैं आपकी जगह पर होता तो भी सत्यवीर को इंसाफ नहीं मिलता। ऐसा कहने वाला मैं पागल ही हूं ना, गवाहों के बयानों के आधार पर ही आप फैसला सुना सकते हैं, लेकिन गवाहों को इन्होंने खरीद लिया है, लेकिन सत्यवीर की फैमिली में उनके अलावा कोई नहीं बचा। मां नहीं, बाप नहीं, बहन नहीं, बच्चे नहीं, यस जिससे शादी होने वाली थी वो समिता भी नहीं। इन लोगों ने जो खून बहाया उसे अगर चूहा भी देखता तो शेर बन जाता, एक बुढ़ा भी कातिल बन जाता, लेकिन ये नहीं बदला। इसलिए चौथी बार अफसोस के साथ मैं ये कहता हूं, नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन। सत्यवीर तुमने ऐसा क्यों किया? इस कोर्ट में चाहे कितना भी बड़ा मिनिस्टर क्यों ना आ जाए, अगर उसने कानून तोड़ा है तो जनता का जवाब यही होगा, और वही मैंने किया है। कानून को तोड़ने वाला कोई भी आदमी जेल जरूर जाएगा। 135 करोड़ लोगों का खून चूसने वाले इस कातिल को पब्लिक जो सजा देना चाहती थी वही मैंने इसके साथ किया है। जो भी इस देश के कानून के साथ खिलवाड़ करेगा
उसको मैं यही सजा दूंगा। आज जो ये फैसला इस बंदूक ने सुनाया है, ये इन लोगों को सुनाना चाहिए था।